नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे। बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर लगातार बयानबाजी जारी है। योगी सरकार के मंत्री कुलजीत सिंह ने प्रयागराज में एक बड़ा बयान दिया है। योगी सरकार ने पार्टी नेता कुलजीत सिंह को कृषक समृद्धि आयोग का सदस्य बनाया है। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। कुलजीत सिंह प्रयागराज में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, वहां उनके साथ कोई भी जिम्मेदार अधिकारी शामिल नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग का एक बाबू तक नहीं पहुंचा। इसे लेकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और अफसरों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूपी में ज्यादातर अधिकारी बेलगाम हैं। इन्हीं अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आधी से ज्यादा सीटों पर हरा दिया है। साथ ही अफसरों के रवैये से जनता में जबरदस्त नाराजगी है। कुलजीत सिंह ने अफसरों को गद्दार और मोटी चमड़ी वाला करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबे मोटी चमड़ी वाले अफसरों ने सरकार के साथ गद्दारी की है। उनके मुताबिक अगर ऐसे अफसरों पर लगाम नहीं लगाई गई तो 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में भी पार्टी को करारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी संख्या में अधिकारी पुरानी सरकारों की मानसिकता के हैं, केंद्र और योगी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं करते, साथ ही जनता तक इन योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचने देते। आम जनता से इनका व्यवहार ठीक नहीं होता है। इन अधिकारियों ने ही पार्टी की नैया को डुबो रखा है। कुलजीत सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि वह जल्द ही अधिकारियों के मनमाने रवैये को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक रिपोर्ट सौंपेंगे और उनसे ऐसे अफसरों पर अंकुश लगाने को कहेंगे। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।